तो कल्पेश जी, आप वहां पर उपस्थित है खरगोन जेल में। खरगोन जिले की बात करें, कपास की खेती अच्छी होती है, इसके अलावा वहां पे मिर्ची मूंगफली का भी उत्पादन है अधिकांशता। किस बहुल किसान बहुल क्षेत्र है और बड़ा विधानसभा है, 6 विधानसभा, जहां पर पिछली बार की बात करें तो कांग्रेस ने जीत हासिल की थी एक निर्दलीय। कैसे देखते हैं वहां के समीकरण को, फिर हम वहां के मतदाताओं से भी चर्चा करेंगे। तो मुझे वहां पे थोड़ा सा हमारे आप दर्शकों को जरूर बताएं कि क्या परिस्थितियां हैं वर्तमान में वहां की। जी जी देखिए, खरगोन और इसके आसपास लगी हुई 6 विधानसभाओं में प्रदेश की खरगोन जिला एकमात्र ऐसी जिला है जहां पर बीजेपी ने एक भी सीट अपने खाते में नहीं ला पाई थी पिछले चुनाव में। यहां पर सारी सीटें जो है 5 कांग्रेस के खाते में गई थी और एक निर्दलीय भगवानपुरा जो है केदार जी डाबर ने विजयी हासिल की थी वहां से। कुल मिलाकर इस बार जो है थोड़ा सा माइक को नीचे कर बीजेपी लीजिए। सभी सीटों पर बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की रणनीति भी यही है कि सारी 6 सीटें जो उसने खोई थी वो वापस उसे हासिल करना है यहाँ पर। इसके लिए विकास की बात जो है बीजेपी लोगों के बीच कर रही है। पिछले 5 साल से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं खरगोन में, उन्होंने भी जो है विकास की बात लेकर ही वो भी जनता के पास जा रहे हैं अपने वचन पत्र को लेकर।